हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबीजी टेक में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अगर आप अपने फोटो को आउटलाइन देना चाहते हो तो जो व्हाइट बैकग्राउंड मैंने अपने थंबनेल में आउटलाइन का इस्तेमाल करके दी है, तो आउटलाइन आपको किस तरह से देना है आपके फोटोज को, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, प्ले स्टोर के ऊपर ऐसे बहुत सारे ढेरों ऐप मौजूद है जो आउटलाइन बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए उस एप्लीकेशन की मदद से देखते हैं किस तरह से आउटलाइन बनाया जाता है, और मैं ये सभी जो प्रोसीजर है वो आपको मेरे मोबाइल में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में आना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो यहाँ पर आपको लिखना है PIXLEB पिक्सल लैब, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्सल लैब ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ से ओपन करने के लिए रेडी है। ये हमारे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल थी, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो मोबाइल है इसमें यहाँ पर आपको एक थंबनेल डिज़ाइन किया हुआ दिख रहा है, जिसमें मैंने पिक्चर को यहाँ पर आउटलाइन लगाई है। तो यहाँ पर पिक्चर को आउटलाइन किस तरह से लगाना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं ये जो टेक्स्ट है इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये जो फोटो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से यह डिफ़ॉल्ट में ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह से डिफ़ॉल्ट में आपको सेटिंग इस एप्लीकेशन की दिखाई देगी। तो आपके मोबाइल में भी इस तरह से डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको दिख रही होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप कुछ थंबनेल वगैरह बना रहे हो तो ऐसे सूरत में आपको ये जो स्क्रीन का साइज़ है उसको चेंज करना है। तो ये जो बीच वाला जो सिंबल है, जो ए के बाजू में जो सेंटर में एकदम नीचे में जो सिंबल है उसके सेंटर में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको आपके इमेज की जो साइज़ है उसको सिलेक्ट करना है। तो इमेज की साइज़ मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना है और इमेज साइज़ के ऊपर आना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल बनाने के लिए मैं यहाँ पर YouTube थंबनेल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से ये हो जाता है। उसी तरह से उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकते हो कुछ भी, और तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पर मेरी इमेज को वाइट बैकग्राउंड या आउटलाइन देना है। तो आउटलाइन कैसे दे मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं सेंटर में आ जाता हूँ। सेंटर में आने के बाद यहाँ पर इम्पोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से आपको आपके फ़ोटो को जो है वो बैकग्राउंड क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मेरी इस फ़ोटो में बैकग्राउंड जो है उसका पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए मैं ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ़ोटो में पूरी तरह से बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने फ़ोटो को एडजस्ट कर दिया है इस तरह से, और ये हमारा फ़ोटो हो गया। तो यहाँ पर अभी आपको आउटलाइन लगाना है। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, और फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके इस तरह से खींचना है। जैसे जैसे इधर खींचोगे आप, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। स्ट्रोक के ऑप्शन के ऊपर आना है और इसको इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इनेबल कर दिया यहाँ पर ये आउटलाइन सी दिखने लगी है। तो यहाँ पर ये अलग अलग कलर की आउटलाइन आप इस इमेज में लगा सकते हो।
और यहाँ पर आपको इस आउटलाइन को अगर थोड़ा सा ठीक करना है तो यहाँ पर स्ट्रोक विड्थ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ये देखिए ये जो आउटलाइन है इस तरह से गाड़ी होती जाएगी। ये देखिए तो इस तरह से हम फोटो में आउटलाइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने फोटो में आउटलाइन आपको बनाना सिखा दिया और यह जो राइट का सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करते ही आउटलाइन फाइनल हो जाती है। फिर आप अपना मनपसंद टेक्स्ट जो है वो यहाँ से ले सकते हो। ये जो ए है इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर आना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट एडिट करके आप कुछ भी लिख के आप यहाँ पर अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप टेक्स्ट कम ज़्यादा कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। तो हमारा जो मोटो था इस वीडियो को बनाने का था वो था आउटलाइन को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से क्या करता हूँ, ये जो इमेज है इसका बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड का कलर मैं वो चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको पूरी तरह से ब्लैक कर देता हूँ, ये आपको बहुत सही लगेगा अभी बैकग्राउंड में। ये देखिए इस तरह से हमें आउटलाइन सजाना है। आउटलाइन सजाने के लिए फिर से मैं सेंटर में आता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो जो है वो वाइट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये हमें आउटलाइन की थिकनेस कम ज़्यादा करना है, इस तरह से आउटलाइन लगाना है हमें इस एप्लीकेशन की मदद से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आपको एडिट करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।